नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अचानक ही मौसम में बदलाव हुआ है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और अभी भी खेतों में फसलें खड़ी हैं। यही वजह है कि आगजनी की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। जिले में 3-4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें फसलों में आग लगी है। इसके अलावा और भी खबरें हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, भोगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। बदाचौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुरावली में खेतों में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जिले में अन्य जगह भी हुई आगजनी की घटनाएं। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने पकड़ी 6 पेटी देशी शराब, 2 युवक हुए गिरफ्तार। राज्य मंत्री ललिता यादव ने किया ड्रीमलैंड स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालकों की देखरेख, संरक्षण और लैंगिक अपराधों पर हुई 2 दिवसीय कार्यशाला। हेडलाइंस बात करते हैं खबरों का विस्तार। बधा चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुरावली के खेतों में खड़ी फसल में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। एक खेत से शुरू हुई ये आग हवा के सहारे 4 खेतों तक पहुंच गई। हालांकि 100 डायल को सूचना दी गई, मौके पर 100 डायल, बंधा चौकी प्रभारी और पटवारी भी पहुंच गए। एक फायर ब्रिगेड और कुछ प्राइवेट टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तापमान अधिक होने से कई जगह पर आग लगने के मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें, बंधा चौकी के अंतर्गत गुरावली गाँव है जहाँ पर 3-4 खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई। जहाँ पर गेहूं की खेती जो खेती हो रही थी वहाँ पर जो फसल खड़ी हुई थी उसमें आग लग गई और जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ तत्काल मौके पर 100 डायल पुलिस पहुँची है। वहीं पर बंधा चौकी प्रभारी फराह खान भी मौके पर पहुँची, जहाँ पर प्राइवेट टैंकरों एवं बड़ा मलहरा की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच कर जिसने आग पर काबू पाया है। तो वहीं पर हम आपको बता दें, नए मोहल्ले में भी यहाँ पर जो आग लगने का मामला सामने आया। यहाँ पर एक मकान में आग लग गई है जहाँ पर उधर 50,000 की सामग्री भी खाक हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सटई थाने के अंतर्गत आने वाले अमरौनिया तिगड्डा पर एक मुखबिर की सूचना पर देशी शराब की 6 पेटियां जब्त की गई हैं। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अमरौनिया तिगड्डा पर लगभग 9-10 बजे के बीच में सूचना मिली थी कि हल्के भैया अहिरवार और बबलू अहिरवार शराब लेकर जा रहे हैं। शराब की कीमत 16,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर जाकर इन दोनों लोगों को पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह 10 बजे के लगभग मुखबिर की सूचना पर अमरोही सटई तिराहे के लगभग 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से 6 पेटी के लगभग शराब लेके जा रहे थे, जिनको मौके से गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी हल्के अहिरवार, दूसरा का नाम है बबलू अहिरवार। हल्के अहिरवार के ऊपर पहले से आबकारी के प्रकरण दर्ज है। बमीठा थाने और आबकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में भी पेश करेंगे। ड्रीमलैंड स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन शनिवार को किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ललिता यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं। फीता काटकर उन्होंने नए भवन का शिलान्यास किया। उनका ये कहना था कि शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ड्रीमलैंड स्कूल द्वारा ये सब प्रदान की जा रही हैं। ड्रीमलैंड स्कूल की संचालक IP भाटिया ने बताया कि एक बड़े परिवेश में अब बच्चों को और भी बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अशोक नायडू और अंकुर यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि महलों के पास ये स्कूल संचालित होता है वर्तमान में, भले ही उतनी भव्यता न रही हो लेकिन पढ़ाई के मामले में हमेशा स्कूल अग्रणी रहा है। यहाँ पर आए हुए आगंतुकों ने नए भवन के लिए स्कूल की संचालिका को शुभकामनाएं दी। अभी जो विद्यालय हमने देखा, मैडम भाटिया का बहुत ही समय का सपना तो पूरा हुआ है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जिस तरह से उनकी सोच है, मैंने भी देखा, पूरे विद्यालय में घूम के देखा, उनकी जिस तरह से सोच है छतरपुर में कुछ देने की, तो निश्चित ही
ईश्वर उनकी सोच को पूरा करेगा और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे मुझे विश्वास है अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे। क्षेत्र में संघर्ष करने वाला एक विश्वविद्यालय कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने भी जब से मैडम भाटिया के संपर्क में हम आए हैं इनसे दो चीजें हमने भी सीखी हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आदमी किस तरह से धैर्य रखते हुए काम करता है वो हमने मैडम से सीखा है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और संघर्ष के बाद एक मुकाम पर पहुंचे और आज उनके द्वारा निर्मित एक स्वप्न साकार हो रहा है और एक बहुत अच्छी बिल्डिंग और एक बहुत अच्छा स्कूल इस शहर के लोगों को मिलने जा रहा है। नौगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानपुरा में एक घर में उस वक्त आग लग गई जब घर में बच्चे अकेले ही थे और अकेले होने की वजह से वो खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक घर में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, पुलिस मौके पर पहुंच गई और कोई भी जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि हल्काई राजपूत अपने बच्चों को अकेले छोड़कर चला गया था और बच्चे अकेले खाना बना रहे थे तभी चूल्हे की लकड़ी से आग लग गई। पहले ये आग कपड़ों तक पहुंची, उसके बाद गेहूं और अन्य गृहस्थी के सामान तक पहुंच गई। बच्चा खाना पीना बना रहे हैं, कम से कम 1.5-2 लाख को नुकसान, उसमें गल्ला गए उड़ना कपड़ा, मतलब पूरी गृहस्थी जल गई। हम कटाई कर रहे थे। मानपुरा के हल्काई राजपूत अपनी पत्नी के साथ बाहर खेत में थे, बच्चे इनके घर पे थे, वो खाना बना रहे थे। उसी दौरान खाना बनाते में आग लग गई। थाने पर रिपोर्ट आई है, राजधानी रिपोर्ट कायम की है, उसने जांच में ले लिया है मामला, इनका कितना नुकसान हुआ है ये सारी कार्रवाई की जा रही है। संकट मोचन के पास स्थित गोकुल धाम कॉलोनी में भी घर में आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ पर अगरबत्ती से लगी हुई आग पहले आसपास के सामान में लगी और उसके बाद गृहस्थी के सामान और किताबों तक पहुँच गई। हालांकि यहाँ पर भी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग सर ये मैं सुबह यहाँ से निकल गया था धौरी, एक बैद के यहाँ निकल गया था और अब मुझे ये है कि अगर मैं पूजा करता हूँ अगर बत्ती का परारा पड़ गया होगा तो इस वजह से वो आग लग गई होगी। नुकसान मेरा 50-55 के आसपास हो गया। मेरी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें थी, अन्य भाषाओं की थी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का भी और भी पढ़ता पढ़ाने का भी काम करता हूँ। मेरे पास बहुत साहित्य इकट्ठा था, वो सारा पूरा जल गया और जितने मेरा सामान था कुल मिला के गृहस्थी का पूरा सब खाक हो गया, ये कपड़े वपड़े बिस्तर स्तर सब। किशोर न्याय अधिनियम के ऊपर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शहर के होटल जटाशंकर में आयोजित किया गया जहां पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने यहां पर उपस्थित लोगों को इन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। बालकों की देखरेख एवं संरक्षण एवं लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यशाला का ये आयोजन किया गया था जिसमें सागर से आए हुए संभागीय उप संचालक आर एस त्रिपाठी भी दोनों दिन मौजूद रहे। मास्टर ट्रेनर के रूप में महिला सशक्तिकरण अधिकारी सागर ब्रजेश शर्मा, महिला सशक्तिकरण अधिकारी दमोह सौरभ मिश्रा और छतरपुर के महिला सशक्तिकरण अधिकारी उदल सिंह ने लोगों को ट्रेनिंग दी। इस मौके पर पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, पैरालीगल वॉलंटियर्स और चाइल्ड लाइन सहित बड़ी संख्या में इस विषय से संबंधित लोग मौजूद रहे। किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2013, श्रम अधिनियम, बच्चों से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं उन पर जो भी स्टेक होल्डर्स कार्य कर रहे हैं उनको बुलाकर 2 दिवसीय कार्यशाला हम लोगों ने संपन्न करा रहे हैं। बाल संरक्षण के क्षेत्र में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत जितने भी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया हुआ है। और ये प्रशिक्षण ICPS योजना के अंतर्गत जो जीजे एक्ट 2015 है और पास्को एक्ट है उसके बारे में विभिन्न विभाग के जो अधिकारी हैं जिनकी इस एक्ट के पालन में भूमिका है उनका जिला स्तरीय प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके प्रति किस तरीके से हमको डील करना है, विभिन्न स्टेक होल्डर को कैसे डील करना है जिससे उनका सर्वोत्तम हित हो सके।
एक बार फिर से एटीएम कार्ड के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ पर सटे रोड की श्रीधर कॉलोनी में रहने वाले चंद्रभान शिवहरे ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक कॉल आया कि उनका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है और वे उसमें लिखे हुए अंकों की जानकारी दे दें, और उसके बाद उनके मोबाइल पर पैसे निकाले जाने के मैसेज आने लगे। चंद्रभान ने इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में कर दी है। चंद्रभान शिवहरे ने बताया कि उनके मोबाइल पर 9534309206 नंबर से फोन आया और अपने आप को बैंक अधिकारी बताते हुए उन्होंने एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी। गौरतलब है कि अखबारों में और मीडिया के माध्यम से इतनी सूचनाएं देने के बावजूद पढ़े लिखे लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं, और अगर कोई आपको अधिकारी बनकर फोन करता है तो आप उसके झांसे में कतई ना आए और अपनी बैंक शाखा से किसी भी संबंध में संपर्क करें। एटीएम कार्ड ब्लॉक करने के बहाने लोग आपके एटीएम कार्ड पर अंकित नंबरों की जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद ये हैकर्स आपका पासवर्ड जानकर आपके खाते से रुपए निकाल लेते हैं। ऐसा ही चंद्रभान शिवहरे के साथ हुआ। उनका कहना था कि लगभग 1,00,000 से भी ज़्यादा रुपए निकाले गए। जब तक उन्होंने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करने के लिए फ़ोन लगाया तब तक उनके खाते से पैसे निकाले जा चुके थे। मेरे साथ ये घटना हो गई, मेरे खाते में से पैसे निकल गए हैं। मेरे को वो कॉल आई है कि आपका वो आधार कार्ड लिंक कराना है, तो आप वो कार्ड का नंबर बताइए। वो नंबर बताया, इसके बाद में मैसेज आने लगे 1,04,000 कुछ। बम्बई से बोल रहा हूँ, मेन ब्रांच जहाँ से ये एटीएम कार्ड बनता है, हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। दुर्गा देवी और भगवान दास अग्रवाल की स्मृति में हनुमान टोरिया सेवा समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन हर माह की तरह इस बार भी 26 तारीख को किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया। 416 लोगों के पंजीयन इस दौरान हुए थे और इनमें से चुनिंदा लोगों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? गिरजा पाटकर, हनुमान टोरिया सेवा समिति। क्या कहना है, किस तक कैमरा लगा हुआ? आज नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन आज हुआ है और यह शिविर पूजनीय माताजी दुर्गा देवी और पिता भगवान दास जी की स्मृति में उनके पुत्र एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल जी के सहयोग से एक दिवसीय नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें आज 416 मरीजों के पंजीयन हुए हैं और 90 मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। दो एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आई हैं। रोरा पड़रिया सटई के अंतर्गत एक जगह है, यहां पर एक व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसे एक टैक्सी चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में 32 वर्षीय प्रमोद अहिरवार घायल हुआ है। लखनऊ से आ रहे थे अपने बहनोई को देखने, वरजिया रोड पर श्री राम कॉलोनी में मोटरसाइकिल थे, प्लेटना गाड़ी से थे, तो अचानक यहाँ जी के रोरा के आगे और पड़रिया के बीच में कोई वाहन गाँव यहाँ से उसके लिए क्रॉसिंग में गिर गया, प्लेटना मोटरसाइकिल था। तो वही दूसरी घटना धमौरा के पास हुई है, जिसमें बिल्लू आदिवासी रोहित और रोहिणी तीन लोग घायल हुए हैं। यहाँ सामने अचानक एक जानवर के आ जाने से ये हादसा हुआ। छतरपुर से जा रहे थे, रात बीच में एक्सीडेंट हो गया, तीन लोग। नववर्ष के उपलक्ष्य में 28 मार्च को नरसिंह मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। त्रिसूक्त हवन पूजन अनुष्ठान नाम का ये कार्यक्रम तिरुपति से आए आचार्य तिरुपति स्वामी के निर्देशन में संपन्न किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। यह नया संवत्सर 28 मार्च को प्रारंभ होने वाला है, उस दिन यहाँ पर एक होम अनुष्ठान किया जाएगा, जिसमें पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के माध्यम से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ के सभी भक्तों को उनके अनुग्रह का प्रसाद मिले, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि हवन हो, हवन के पश्चात भगवान नृसिंह स्वामी जो यहाँ के प्रधान देवता हैं उनकी पूजा होगी, उनकी अर्चना होगी विशेष रूप से, और फिर इसके बाद पंचांग श्रवण कराया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग।
बधा चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुरावली में खेतों में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जिले में अन्य जगह भी हुई आगजनी की घटनाएं। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने पकड़ी 6 पेटी देशी शराब, 2 युवक हुए गिरफ्तार। राज्य मंत्री ललिता यादव ने किया ड्रीमलैंड स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालकों की देखरेख, संरक्षण और लैंगिक अपराधों पर हुई 2 दिवसीय कार्यशाला।